भारतीय राजनीति अब अपने नए आयाम पर पहुंच गई है, या कहें गर्त में गिरने की पराकाष्ठा की सीमा लांघ रही है। कल तक जो नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने तक ही सीमित रहते थे, वहां नए युग की इस राजनीति में अब अश्लील टिप्पणियां की जा रही हैं। ऐसी टिप्पणियां जिन्हें अगर हमारी राजनीति के पुरोधा सुन लें तो उनकी भी आत्मा कांप जाए। नलका, टोटी, पैंटी, पेटीकोट, न जाने क्या क्या, जिन्हें बताने में आदमी को शर्म आ जाए, लेकिन बताना भी ज़रूरी है क्योंकि आपका जानना ज़रूरी है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि चाचा शिवपाल ने अब सुदर्शन चलाने की धमकी दे दी है। अब इत्मीनान से पूरा मामला समझिए। दरअसल इस अश्लील कांड की कहानी के कई किरदार हैं, कुछ पीड़ित तो कुछ आरोपी। किरदारों में अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, उनकी बेटी अदिति यादव, ऋचा राजपूत, माफ कीजिएगा डॉक्टर तो लगाना ही भूल गए, डॉक्टर ऋचा राजपूत, मनीष जगन अग्रवाल, शिवपाल यादव, और किरदारों के बीच ही चल रही है वो जंग जिसमें अश्लीलता का मोर्चा संभाला है सपा के मनीष जगन अग्रवाल और भाजपा महिला नेता डॉक्टर ऋचा राजपूत ने। मनीष जगन अग्रवाल ने जो लिखा वो तो हमने आपको दिखाया ही था, लेकिन ऋचा का कांड भी देख लीजिए, जिसे पढ़कर शायद अश्लील लेखक मस्तराम भी शर्मा जाएं, क्योंकि पढ़कर सुनाने की हमारी तो हिम्मत नहीं। खैर, इस लेख पर अब डिम्पल के चाचा शिवपाल का गुस्सा फूटा है और उन्होंने भगवान कृष्ण की ही तर्ज पर धमकी दी है। हम 99 बार तक देख रहे हैं, 99 बार तक, और 99 जैसी पार होगा वैसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे चाचा का गुस्सा तो जायज है क्योंकि नारी का सम्मान सर्वोपरि है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि शिवपाल यादव अगर अपने सुदर्शन का ये खौफ मनीष जगन अग्रवाल को भी दायरे में लेकर दिखाते तो उनकी उम्र और उनके ओहदे के लिहाज से राजनीति में उनका कद और बढ़ जाता। लेकिन बढ़े कैसे? ऐसा ही अश्लील कांड खेलने वाले जगन को तो पार्टी के मुखिया अखिलेश खुद ही बचाने पहुंच गए थे। लिहाजा समझना जरूरी है कि जब हर तरफ ही कीचड़ उछलेगा तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी भला कौन लेगा।